फिर से स्वागत है बिहार बोर्ड परीक्षा के नंबर वन चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग कवर करने वाले एक हिस्ट्री के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर जो बिल्कुल न्यू पैटर्न पर जारी किया है। दोस्तों जैसा कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको 25 प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। सो आज हम लोग सॉल्व करेंगे इस मॉडल पेपर को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना और सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि सभी स्टूडेंट के लिए ये हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन नंबर एक से। तो यहाँ पर दोस्तों एक नंबर हम लोग देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कृष्ण देव राय संबंधित है। तो एक नंबर का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, तो एक नंबर का राइट आंसर डी नंबर, उन्हें विजयनगर साम्राज्य से। अब दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दो नंबर क्या बोला जा रहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किसने कहा है? तो यहां पर राइट आंसर दो नंबर का क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी भगत सिंह ने कहा है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पर तीन नंबर क्या आ चुके हैं, यहां पर पद्मावत के रचयिता कौन थे? तो पद्मावत के रचयिता कौन थे दोस्तों, तीन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी बी नंबर में मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पर चार नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वीर साहब पंत के प्रवर्तक कौन थे? तो वीर साहब पंत के प्रवर्तक कौन थे, यहां पर चार नंबर का आंसर क्या हो जाता है, तो डी नंबर यानी बस बनना हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच नंबर क्या बोला जा रहा है, अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, पांच नंबर का, तो पांच नंबर का यहां पर राइट आंसर क्या हो जाता है, सी नंबर यानी ब्रिटेन में नहीं हुआ। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो इसमें से आपको पांच प्रश्न, सॉरी 25 प्रश्न आपको 100% पूछेगा क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पर ये मॉडल पेपर को बनाया गया है। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों, छह नंबर, मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहां थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, छह नंबर का, तो छह नंबर का राइट आंसर यानी सी नंबर हो जाएगा, राजगृह हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सात नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि फ्रांकोइस बर्नियर कौन था? तो सात नंबर का यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सात नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी फ्रांसीसी हो जाएगा। दोस्तों अगर इसी तरह के मॉडल पेपर को पढ़ना चाहे तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। अब यहां पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या आठ नंबर, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ? तो आठ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो दोस्तों सी नंबर यानी शाहजहां के काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं नौ नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सांची में पत्थरों पर किस पुस्तक की कहानियां का अंकन है? तो नौ नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, तो नौ नंबर का बी नंबर हो जाएगा यानी जातक। दोस्तों हम लोग फटाफट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम काफी करीब है और दोस्तों सभी प्रश्नों को पढ़ना अनिवार्य है। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर दस नंबर, 1500 ईसा पूर्व से 1000 पूर्व के बीच किस वेद का संकलन हुआ था? तो यहाँ पर 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यानी ऋग्वेद हो जाएगा। दोस्तों ऋग्वेद क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी 11 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी नेपोलियन को कहा जाता है। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 नंबर आ चुके हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो यहाँ पर 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 12 का राइट आंसर जो जल्दी सी नंबर यानी 1510 ईस्वी। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था, तो कौन था? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर, मंगल पांडे। अब दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इसी तरह के प्रश्नों को पढ़ने के लिए। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, छठी ईसा पूर्व और चौथी शताब्दी के बीच सबसे शक्तिशाली महाजन पद इनमें से कौन है? तो 14 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, 14 नंबर का ए नंबर यानी मगध हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 15 नंबर का सी नंबर चंद्रहुद्रो। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं, सॉरी यहाँ पर 15 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, यानी सी नंबर अंतर जखीरा होगा, यहाँ पर मैंने गलत जो टिक किया था। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 16 नंबर, अलबरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? तो यहां पर दोस्तों 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, 16 नंबर का बी नंबर हो जाएगा यानी 10वीं शताब्दी में। सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से देख लेना अगर आप लोग अच्छे तरीके से जो है दोस्तों एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं तो। अब यहां पर देखिए, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर यानी माउंट बेटन हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो कब हुआ था? 18 नंबर का यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी 1942 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन 19 नंबर क्या बोल रहा है, खुद्दक निकाय का संबंध है? तो यहां पर दोस्तों 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो बी नंबर हो जाएगा, सूत्र पीठक से। अब अगला देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर 20 नंबर क्या बताया, कि शंकराचार्य का मत कहलाता है? तो शंकराचार्य का मत क्या कहलाता है, तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो बी नंबर यानी अद्वैतवाद हो जाएगा राइट आंसर। अब दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग 21 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जैन साहित्य है? तो 21 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो सी नंबर हो जाएगा यानी माध्यमिका सूत्र हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संथाल विद्रोह हुआ था, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी
1955 से 56 के बीच। तो दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के सभी सब्जेक्ट का पढ़ने के लिए। इसमें से हम लोग 100 प्रश्नों को पढ़ेंगे और 100% आपको मैं गारंटी देता हूँ कि 25 प्रश्न आपको 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% गारंटी है दोस्तों। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्या बोल रहा है, किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू हुई। तो यहाँ पर 23 नंबर का आंसर क्या हो जाता है, तो छी नंबर यानी 1793 हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी नंबर यानी जहांगीर के काल में पहुंची। अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, 25 नंबर विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। 25 का राइट आंसर यहां पर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा संगम वंश। तो आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर देना है आप लोगों को जल्दी जल्दी। यहां पर क्या 26 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पहला हिल स्टेशन कौन था। तो पहला हिल स्टेशन कौन था दोस्तों, यहां पर राइट आंसर कौन सा 26 नंबर का, ए नंबर हो जाएगा शिमला हो जाएगा शिमला। अब आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम लोग, 27 नंबर क्या बोल रहा है, बाबा गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा यानी 1469। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। तो 28 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी हम लोग अच्छी तरीके से देख लेते हैं यानी क्या हो जाएगा डी नंबर यानी ए और बी और सी दोनों हो जाएगा क्या हो जाएगा चांदी और तांबे के। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं 29 नंबर, मौर्य कलिंग राज्य स्थित था, तो कहाँ स्थित था दोस्तों। तो 29 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डी नंबर यानी वर्तमान दक्षिण उड़ीसा में। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। तो नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर भीष्म को कहा जाता था। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो 31 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या है, डी नंबर यानी 13वें अभिलेख में। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो यहाँ पर 32 नंबर का आंसर क्या हो जाता है, तो ए नंबर यानी जेम्स प्रिंसेप को। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल लोथल किस राज्य में है। तो यहाँ पर दोस्तों 33 नंबर का आंसर क्या हो जाता है, तो डी नंबर गुजरात में है। आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और दोस्तों चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के सभी सब्जेक्ट के आने वाले हैं आपके एग्जाम से पहले पहले। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी। तो 34 का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाता है, बी नंबर यानी हड़प्पा हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा की खुदाई की गई थी। तो हड़प्पा की खुदाई कब की गई थी, तो यहां पर 34 का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी हड़प्पा बस्तियों की खुदाई किसने की। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 35 नंबर का राइट आंसर, तो डी नंबर यहां पर हम लोग देख लेते डी और सी दोनों ने किए थे, डी और सी यानी मार्टिन व्हीलर और क्या है सॉरी ए और सी, तो यहां पर जसर जॉन मार्शल ने, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 36 का राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर क्या है यानी 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। अब दोस्तों यहां पर देख लेते क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि किस अभिलेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो यहां पर 37 नंबर का आंसर क्या हो जाता है, तो डी नंबर यानी 13वें अभिलेख में मिलता है। अब दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां 38 है क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बिहार में नील आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी ने किस वर्ष संभाली। तो 38 नंबर का आंसर क्या हो जाता है, 38 नंबर का, तो सी नंबर यानी 1917 हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पर 39 नंबर क्या बोल रहा है, मुगल काल में सर्वाधिक उर्वर भूमि कौन सी थी। तो यहाँ पर दोस्तों 39 नंबर का आंसर क्या होता है, जल्दी जल्दी आप लोग बोल सकते हैं। तो 39 का डी नंबर यानी क्या हो जाएगा, पोलोज हो जाएगा, पोलोज, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 40 नंबर क्या बोल जा रहा है, कह रहा है कि हम्पी किस राज्य से संबंधित है। तो 40 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है, डी नंबर यानी विजयनगर में है। अब दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए और वीडियो को तो लाइक करना ही 100% आप लोग को लाइक करना है। किस भू राजस्व व्यवस्था में सरकार ने भूमि का मालिकाना हक किसानों को दिया। तो यहाँ पर 41 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी रैयत वारी हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है दोस्तों, सविनय आज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। तो कब तोड़ा था, तो इसका राइट आंसर 42 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यानी 1 अप्रैल 1930। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 1857 के तात्कालिक कारण क्या थे, यानी विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे। तो इसका राइट आंसर 43 नंबर का क्या हो जाएगा, 43 का सी नंबर यानी 4वीं वाला कारतूस हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 नंबर आ चुके हैं क्या बोल रहा है, कि मोहन जोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी। तो यहाँ पर दोस्तों 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यानी राखलदास बनर्जी हो जाएगा।
अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि महात्मा गांधी 1917 में किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे। तो 45 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी नंबर यानी राजकुमार शुक्ल के। अब अगला प्रश्न देख लेते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 46 नंबर। कितने वर्ष की आयु में महावीर घर परित्याग किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 46 नंबर का, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 30 वर्ष की आयु में। अब दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए एक बार, ठीक है दोस्तों। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य अभिलेख कहाँ मिलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 47 नंबर का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों डी नंबर एरन में मिला था। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन 48 नंबर क्या बोल रहा है, क्षेत्रीय शब्द का साहित्यिक अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पर 48 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी राज पर अधिकार होना। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 49 नंबर का, तो 49 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्या बोला जा रहा है दोस्तों, कह रहा है कि अब दोस्तों यहाँ पर आ चुके 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फ्रांस या बर्नियर था। तो कौन था दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन को हम लोग देख करके इसका जवाब दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 50 नंबर का डी नंबर जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं था, ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या यहाँ पर देखेंगे 51 नंबर क्या बोला जा रहा है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो 51 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 51 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी लोहा हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 नंबर आ चुके क्या बोला जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो यहाँ पर 52 नंबर का राइट आंसर बी नंबर जाने कासंग युग की। तो आप लोग जल्दी जल्दी पूरे वीडियो को देख लेना, क्योंकि इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न जो पूछे जाएंगे, यानी आपको 25 क्वेश्चन जो 100% पूछे जाएंगे। अब यहां पर देख लेते क्वेश्चन नंबर 53, गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया था। तो कब आया था, यहां पर 53 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 53 का, तो सी नंबर यानी हेनसांग हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं क्या बोला जा रहा है, इंडिका के लेखक कौन थे। तो इंडिका के लेखक कौन थे, 54 नंबर का आंसर पर क्या हो जाता है, तो बी नंबर यानी मेगास्थनीज हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर 55 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो यहाँ पर 55 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी मौर्य वंश का। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 56 नंबर क्या बोला जा रहा है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो 56 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर यानी 18 है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 57 नंबर क्या बोल रहा है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो 57 नंबर का यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छी तरीके से देखिए आप जल्दी जल्दी, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर संस्कृति भाषा में हुई थी महाभारत की रचना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर 58 नंबर को देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कहेंगे श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी जैन धर्म से है। अब दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 59 नंबर क्या होगा, त्रिपाठिक साहित्य का संबंध है। तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर क्या होगा, तो यानी बी नंबर बौद्ध धर्म से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर 60 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो यहां पर राइट आंसर कौन सा, तो डी नंबर जाएगा दोस्तों, यानी इल्तुतमिश के साथ अल-बरूनी भारत आया था। तो इसका राइट आंसर सॉरी बी नंबर, महमूद गजनवी के साथ आया था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा 61 नंबर का, 61 नंबर का आंसर डी नंबर यानी अरबी भाषा में लिखा है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की। तो यहां पर 62 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर बी नंबर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 63 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तो तलवंडी जो किसका जन्म स्थान, इसका आंसर 63 का नानक हो जाएगा, बी नंबर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखेंगे हम लोग 64 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ दोस्तों 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर जी एस लिबिदेव। तो दोस्तों आप लोग को पूरे वीडियो को देखना है, क्योंकि इसमें से आपको 25 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, हम्पी किस राज्य से संबंधित है। तो 65 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी विजयनगर साम्राज्य से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जा रहा है, तंबाकू पर किस ने प्रतिबंध लगाया। तो तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी जहांगीर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 57 नंबर का सॉरी 67 का राइट आंसर ए बी नंबर यानी तीन क्या हो गया, 67 का राइट आंसर यहां पर आईने अकबरी कितने भागों में, तो यहां पर राइट आंसर दोस्तों यानी 5 भागों में विभक्त है, आईने अकबरी 5 भागों में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखेंगे हम लोग सॉरी, तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आप लोग 67 नंबर को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या हो जा रहा है, कह रहा है कि दीन इलाही संबंधित है। तो दीन इलाही किससे संबंधित है, इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग जल्दी बोलिए, 68 का राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी
अकबर से, ठीक है, अकबर हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 59 नंबर क्या बोला जा रहा है, 69 किस मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है, तो 69 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यानी औरंगजेब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख ले, क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला जा रहा है, अकबर नामा की रचना किसने की, तो 70 का राइट आंसर यहाँ पर क्या, डी नंबर अबुल फजल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो यहाँ पर 71 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 71 का बी नंबर यानी 1526 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोला जा रहा है, दमन इको क्या था, तो दोस्तों यहाँ पर दमन इको क्या था, तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यानी भूभाग। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो यहां पर 73 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी यहां पर देख लेते हैं डी नंबर कॉर्नवालिस से, यहां पर राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, तो 74 नंबर का यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 1510 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी, तो यहां पर 75 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 75 का राइट आंसर ए नंबर 1905 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि राखल दास बनर्जी को मोहन जोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले थे, तो 76 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा यानी 1922 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 77 नंबर का, 77 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी मोहन जोदड़ो से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या बोला जा रहा है, 78 नंबर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का ने की थी। अब आगे की ओर बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके 69 नंबर क्या बोला जा रहा है, प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की थी, तो यहाँ पर 79 नंबर का राइट आंसर क्या है, सी नंबर यानी हरिसेन ने की थी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 80 नंबर क्या बोला जा रहा है, सवार का संबंध किससे था, तो सवार का संबंध किससे था, तो यहाँ पर 80 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाए, तो यहाँ पर ए नंबर घुड़सवार। अब आगे की ओर बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोला जा रहा है, महाभारत की रचना किसने की थी, तो महाभारत की रचना किसने की थी, जल्दी जल्दी आप लोग बता सकते हो, तो 81 नंबर का आंसर डी नंबर जगह वेद व्यास ने की थी। तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना एक एक स्टूडेंट सभी को, ठीक है। चलिए, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, तो यहाँ पर 82 नंबर का आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी बी नंबर समुद्रगुप्त को। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके 83 नंबर क्या बोल रहा है, 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन सा था, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा 83 नंबर का दोस्तों, जल्दी जल्दी आप लोग बोलिए, तो ए नंबर यानी मगध राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके क्या 84 नंबर, इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो क्या हो जाएगा यानी 84 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, मोरक्को सॉरी मिस्र का हो जाएगा। इब्न बतूता कहाँ का था, तो मिस्र का था, सॉरी इब्न बतूता कहाँ का था, तो यहाँ बी नंबर मोरक्को का था, यहाँ पर मैंने मिस्टेक करा था यानी टिक लगाने में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते, क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं 85 नंबर क्या बोल रहा है, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, किसने शुरू किया था, तो यहाँ पर 85 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने शुरू किया, किस संत ने शुरू किया, तो 86 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए नंबर हो जाएगा यानी रामानंद ने शुरू किया था। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोला जा रहा है, किस वर्ष सिंधु सभ्यता खोजी गई थी, तो यहाँ पर दोस्तों 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यानी 1921 में खोजी गई थी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्या बोला जा रहा है, दीन इलाही किससे संबंधित है, तो 88 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी अकबर से। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अगला यानी 79 नंबर, स्थापत्य कला का सबसे अधिक किसके समय विकास हुआ था, तो 89 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी शाहजहां के काल में जो विकास हुआ था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो 90 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी बहादुर शाह जफर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके 91 क्या बोल रहा है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यानी दिल्ली में स्थित है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 92, जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। यहाँ पर देखिए किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है, तो यहाँ पर 92 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी पांचवी रिपोर्ट हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर 93 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सम्राट अशोक के अभिलेख अधिकांश किस लिपि में है, तो 93 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी सौरनी हो जाएगा, सौर सैनी हो जाएगा, सौर सैनी, ठीक है दोस्तों। 93 का राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, सौर सैनी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या है 94 क्या बोल रहा है, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम बताएं, तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी महाभारत हो जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पर 95 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे, तो 95 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो डी नंबर सभी हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए वीडियो को दोस्तों, इसमें हम लोग काफी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में 25 क्वेश्चन को पूछा जाएगा, तो अच्छी तरीके से दोबारा देख लेना बढ़िया से। अब यहाँ पर देखिए किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर तक का काल मिलता है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा जाएगा 96 का राइट आंसर बी नंबर अकबरनामा में मिलता है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहा है, बौद्ध प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो 97 का राइट आंसर यहाँ पर क्या डी नंबर यानी राजगिरा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं क्या 98 नंबर क्या बोल रहा है, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो 98 का राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा यानी ब्राह्मण हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है, कि रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर 99 का क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, रूस में भारत का विधा रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा यानी जी एस लिबी देव हो जाएगा, रूस में भारत विद्या का जनक, तो डोमिंग पेस हो जाएगा डोमिंग पेस, ठीक है दोस्तों राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो यहाँ पर बी नंबर यानी क्या हो जाएगा 1921 में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक एक अपने फ्रेंड को शेयर कर देना, तो अभी का इतना ही तक, और अभी हम लोग लाइव क्लास आने वाले हैं, जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।